सैलून ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मुंबई के बोरीवली में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर बदलापुर और बंगाल में हुई घटना का निषेध किया। अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। महाराष्ट्र में जो गलत करके जो घटना हो रही है, इसके लिए हमारा सैलून ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की तरफ से हमने एक ये निवेदन दिया है तहसीलदार ऑफिस को, और ये इस पे रुकना चाहिए। अजीत भाई ऊपर कैमरा फ्रेम करना चाहिए, बोलिए, कुछ सवाल करो। तो क्या मांग आपने की है और क्या लगता है अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे किस तरह से आपके क्या स्टेप होंगे? मांग पूरी होना चाहिए ऐसा हमने निवेदन दिया है तहसीलदार ऑफिस में, और जो बलात्कार हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर रोक लगना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह? आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप निकाल के बात करें? ड्यूटी एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ने जो काली पट्टियाँ निकाल के, मतलब काली पट्टी मतलब मराठी में जो सांगते काळ्या पट्ट्या आम्ही याच्यासाठी बांधल्यात की स्त्रीची मुस्कट दाबी करू नका, स्त्री अथवा किंवा मुलगी असू दे तिची मुस्कट दाबी करू नका, आणि योग्य तो न्याय सरकारने आम्हाला द्यावा, आणि जे अपराधांना सजा द्यायची त्याला विलंब लावू नका। किस तरह की सजा की मांग कर रही हैं आप? जैसे अनेक देशांमध्ये जसं देतात तसं आपल्या आपल्या देशामध्ये त्यांना शिक्षा का होत नाही मला तेच कळत नाही, त्यांना विलंब का होते मला त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं नाही, कारण प्रत्येक वेळेला ते लोक उशीर का लावतात त्याचं आम्हाला कारण समजलं पाहिजे की अपराधांना सजा का कमी खूप उशिरा का होते। हमारा सरकार की तरफ से एक स्कूल में सीसीटीवी कैमरा और इस तरह की हे सर्व झालंच पाहिजे, लहान मुलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वेगवेगळे, म्हणजे जर समजा मुली असतील तर तिथे महिलांसाठी त्यांची म्हणजे तिथे सुरक्षा हे करायला पाहिजे, आणि जिथं मुलं असतील तिथं पुरुषांना ऐकायला पाहिजे, पण जिथं आता ऐकलेलं मी की महिला जिथं आहे मुलींचं तिथे पुरुष होता हे चुकीचं आहे असं माझं म्हणणं आहे। आरोपी आहे जे मुलींवर महिलांवर अत्याचार करतात आणि एवढ्या हैवानी रूपाने करतात की त्यांना त्यांची पण तीच अवस्था व्हावी आणि त्यांना पण कळू द्या की आपण त्यांच्यावर अत्याचार केलेला आहे की त्यांनी काय झेललं असेल त्या जीवाने त्या लहान मुलांनी काय झेल त्यांची पण ती अवस्था करावी, नंतर त्यांना फाशी द्यावी आणि सरकारने एकदम कडक नियम काढावेत त्यांच्यासाठी आणि जे आरोपी आहेत त्यांना सजा द्यावी, हेच एक फायनल आहे। जिस तरह से जब भी ऐसी घटना होती है इस तरह से कैंडल मार्च और इस तरह के प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च वगैरह वो तो सब है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, आरोपी को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली है? तो ये आज आपने जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं ये आज एक दिन के लिए होगा या फिर अगर वो आपकी मांग पूरी नहीं की जाती आगे भी आप इस तरह से सड़क पर होंगे? हाँ वो तो हो गई ना, अगर जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक लोग रास्ते पे उतरेंगे ही ना, और जब तक और सरकार का पुलिस का काम है उनको न्याय देना, उनको भी ऐसे ही सजा देनी चाहिए कि जैसे आगे कोई करने की सोचे तो वो देखे कि क्या हाल होता है ऐसे करने से, उनकी भी रूह कांपनी चाहिए जैसे हमारी रूह कांप रही है आज ये सब देख के कि जैसे मोमबीता के साथ हुआ है वो सुन के, हमने तो देखा भी नहीं है, सिर्फ सुन के हमारी रूह कांप रही है, तो जिसने झेला है उसको क्या होगा, उनके परिवार का क्या हाल होता होगा, अभी भी हमको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उनकी भी रूह कांपनी चाहिए। आगे जो भी ये सब कर रहे हैं ये रेप वगैरह जो भी अत्याचार कर रहे हैं, राक्षस से ऊपर उनके हैवान की पर उतर आए हैं, उनको एक अच्छा सबक मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ऐसी सजा कड़क सजा होनी चाहिए। देखिए जैसे बाहरी सुंदरता की सबको जरूरत है, वैसे आंतरिक सुंदरता की भी जरूरत है। आंतरिक सुंदरता मीन्स क्या है, तो सबको सोच अच्छा सोचना चाहिए, महिला सब अत्याचार करने के लिए नहीं होती है, महिलाओं एक महिला का सशक्तिकरण भी होना बहुत जरूरी है। आज जो भी जिसने भी हैवानी का कृत्य किया उसके ऊपर फास्ट ट्रैक एक्शन लेके उसके ऊपर जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से यही मांग करेंगे, ये जो अभी माझी बहन लाड़की योजना जो उन्होंने की है वो तो की है वो अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए प्रायोरिटी बेस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना जरूरी है। आज स्कूल में बच्चे हम भेज रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को, वो सेफ है क्या? हम कॉलेज में भेज रहे हैं, हम बाहर नौकरियों पे नाइट में जो लड़कियां काम करी वो सेफ है क्या? इसके लिए सरकार ने एकदम कठोर से कठोर निर्णय लेके उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी महिलाएं सब इधर आके जो निषेध व्यक्त किया है वो हम लोग ने एक छोटा सा
हिस्सा हम लोग ने जो हम लोग ने एक कण भर काम किया है, लेकिन मण भर जो काम है ना वो सरकार को करना है। और मुझे ऐसा लगता है सरकार हमारी हमारी सबकी मांग को सुनेंगे और हमारा हमारा जो भी उद्देश्य है उस वो जो भी लक्ष्य है हमारा उसकी तरह हम पहुंचेंगे। अगर फांसी की सजा नहीं दी जाती जो आपकी मांग है तो आपके नेक्स्ट स्टेप क्या? हम वापस से सड़क पर उतरेंगे उसको फास्ट ट्रैक पे। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो दिन ब दिन गुनहगारी बढ़ते ही जाएगी तो उन लोग को फिर कुछ डर मन में कुछ नहीं रहेगा उनके मन में कि उनके ऊपर लड़कियों के ऊपर अत्याचार उन लोग कभी भी कर सकते हैं, ऐसे उनके मन में होगा। सरकार ने लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसे गुनहगारों को जल्द से जल्द शिक्षा होनी चाहिए तो ही कहीं रुकेगा सब। थैंक यू। सरकार से यही मांग है कि जिस तरह से ये जो लाड़की योजना लगाई है तो उससे उसके अलावा और भी जो लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है उसको सेव करें। लड़कियों के पीछे खड़े रहे। लड़कियों को जैसे कि रात को 10 बजे के बाद ट्रेन में पुलिस रहती है वैसे ही हर जगह पे पुलिस का रहना जरूरी है और लड़कियों को हमेशा प्रोटेक्शन देना जरूरी है। रोड के ऊपर तुम उसको सजा दो, जेल के अंदर रख के उसको खाना मत खिलाओ, उसको जलाओ, उसको जगह पे जलाओ, फांसी दो उसको। दूसरा आदमी कदम नहीं उठाएगा, ये सजा मिलेगी तो दूसरा आदमी कदम नहीं उठाएगा। एक से एक तो क्या औरत लड़की जन्म ली तो क्या वो गुनाह करे? बच्चा कैसा पढ़ेगा, आगे कैसा बढ़ेगी, दुनिया कैसा बढ़ेगी आप बताओ मैडम। लेकिन ये सजा तो मिलना जरूरी है। तुम रख के जेल के अंदर रख के खाना क्यों खिला रहे हो लोग को? साथ में उनके भी मसन में डालो लकड़ी और डाल दो उसके अंदर, उसको डाल दो उसको अंदर मसन में डाल दो तुम लोग। लेकिन तुम सजा दे के फायदा नहीं है मैडम, तुम जेल में लेके जाके डालते ना वो फायदा नहीं है मैडम। आज कितना हो रहा है, कितना चालू है, लेकिन क्यों चालू है? वो लोग को डर उड़ गया, सजा भोग के अंदर से बाहर आएंगे, पीछे पैसा भरेगा, ये लोग वापिस अंदर आएंगे फिर वही रास्ता खोलेंगे। इसकी सजा देना जरूरी है, लेकिन जेल में मत रखो। मेरे को ऑर्डर दो, मैं जला के आती हूँ लोग को, कसम से बोलती हूँ। हमारा जान जलता है। हम दूसरे का घर का बर्तन धो के बच्चों को बड़ा करे तो क्या दूसरे के हवाले करे? इज्जत लूट के खत्म करो। आज मासूम बच्चे भगवान के सरीके होते हैं, एक नादान बच्ची कन्या होती है उसको आज तुम इतना बलात्कार करते हैं तो कौन से हिसाब से करते हैं? ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की तरफ से ये जो आज मुख्य मोर्चा निकाला है इसका कारण आज जो लेडीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये बहुत लज्जास्पद घटना है और इसके ऊपर सरकार ने कोई अच्छा एक्शन लेनी चाहिए। लेडीज की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। लेडीज को आज लाड़की बहन योजना की जरूरत नहीं है, सुरक्षित बहन की जरूरत है। आज सरकार के पास हम लोग यही मांगने आए कि हमें सुरक्षा चाहिए और आज जो हो रही घटना जो घट रही है उसके ऊपर अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो हम लोग को रास्ते पर वापस उतरना पड़ेगा। तो आपके एसोसिएशन ने किस तरह से निर्णय लिया कि इस तरह इकट्ठा हो गए हमें सड़कों पे आकर निषेध करना चाहिए? हम लोग सलून एसोसिएशन जो सलून की महिलाएं जो कष्ट करती है या सलून के जो मेंबर है जेंट्स है यूनिसेक्स सलून है उन लोग बहुत कष्ट करते हैं लेकिन उन लोग अच्छी तरह कमाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने ये सलून एसोसिएशन खोला है। लेकिन उसके बाद में भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध भी हम लोग निकले हैं क्योंकि हम लोग अच्छा काम करना सोचते हैं कि हमारे इंडिया में हमारे देश का अच्छा होना चाहिए। बस करते हैं तो उनके मन में भी डर रहता है कि कोई बंदा हमें किस लिए बुला रहा है, लेडीज के नाम से बुला रहा है, हमारे साथ कोई अत्याचार ना करे वो भी हमारे महिलाओं के मन में एक डर है। इसीलिए हम लोग एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि हमें भी खुद की सेफ्टी चाहिए, हमारे महिलाओं को सेफ्टी चाहिए। इसलिए हमारे ऑर्गन्स के ये यूनियन एसोसिएशन के ऑर्गन से हमने ये मोर्चा निकाला कि सिर्फ बेटी बचाओ हम लोग बैनर लगा के कोई मतलब नहीं है, उस बेटी बचाओ के लिए उस बेटी को सक्षम भी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, खाली हमने लाड़की बहन योजना निकाली, बेटी बचाओ योजना निकाली, लेकिन उसके ऊपर अमल बजावनी क्या करे कि वो सक्षम कैसे बने, वो अपना खुद का प्रोटेक्शन कैसे करे।